शहर है उसका जो डेवलपमेंट प्लान है उसमें 1991 का जो डेवलपमेंट प्लान था आगे तो नो डेवलपमेंट जोन दिखाया गया था। करीब 1300 हेक्टेयर का जमीन है 1289 और उसके बाद जब 2034 का जो नया डेवलपमेंट प्लान आया तो उसका जब ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बना था उसमें उन लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिखा दी थी 2015 में, तो जम के लोगों ने विरोध की क्योंकि डेवलपमेंट प्लान जब बनता है लैंड यूज़ अगर चेंज कर रहे हैं तो लोगों के सजेशन एक ऑब्जेक्शन मांगा जाता है, तो फिर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने हटा दिए हैं। आरे के अंदर कुछ ऑलरेडी बिल्डिंग भी है जैसे रॉयल पाम है, अभी आप अगर आरे एरिया के बाहर जाएंगे तो वहाँ पे जो पार स्क्वायर फीट एरिया है अंधेरी बोलिए गोरेगांव बोलिए दोनों तरफ आरे के है बहुत ज़्यादा है, 25,000-28,000 से बिकती है, यहाँ पे अंदर जो है ना 10,000 से भी बिकती नहीं है। तो हमारा जो सबसे बड़ा डर है ये सिर्फ मेट्रो कार्डों की बात नहीं है, ये जो स्टेशन ला रहे हैं उसके बाद और भी सारे प्रोजेक्ट लाएंगे क्योंकि लोगों को कम्युनिकेशन चाहिए होता है, लोग यहाँ पे खरीदना नहीं चाहते हैं, तो ये प्लान है। यहाँ पर लगभग हर रविवार को हर संडे को आरे के आसपास के जो लोग हैं जो यहाँ के आदिवासी हैं इसके अलावा जो जंगल और जमीन और जल जंगल जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं ये लोग हर रविवार को यहाँ पर विरोध भी दर्ज करते हैं, तो आज भी यहाँ पर एक ऐसा ही विरोध दर्ज करने का एक प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा था। आरे के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इसके इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसका एक और भी नाम है जो कि आरे मिल्क कॉलोनी के नाम से भी मशहूर है। आज़ादी के आसपास 1949 में ये विचार आया कि बम्बई शहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और शहर में जगह जगह डेयरीज थी जो जहाँ पर लोग दूध की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का जरिया थी, उसकी वजह से पूरे शहर में गंदगी का भी एक बड़ा कारण बनती थी वो डेयरीज। तो ये सोच सरकार के और उस समय के प्रशासन के उसमें आई कि इनको एक जगह बिठा निकाल कर कहीं स्थापित किया जाए और जहाँ से फिर पूरे शहर की दूध की सप्लाई होनी थी और वो जो सप्लाई दूध की थी वो एक स्टेट कॉरपोरेशन की एक इकाई होगी जिसको यहाँ से सारा दूध जाएगा और वो दूध फिर पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होगा बिक्री के लिए। तो उस योजना के तहत 1949 में इस जगह को चुना गया आर्य मिल्क कॉलोनी बनाने के लिए। अंदर इसमें बहुत सारे डेयरीज अभी भी मौजूद हैं जहाँ पर गाय और भैंसों को पाला जाता है। इसकी शुरुआत भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उन्होंने आकर इसका उद्घाटन किया था और उसके उस समय महाराष्ट्र डेयरी डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट था जिसके हेड हुआ करते थे दारा एन क्रोधी, उनको इस उनकी सोच इसके पीछे काम कर रही थी कि किस तरह से आरे के अंदर एक पूरा डेयरी का एक पूरी इंडस्ट्री डेवलप करनी है और उससे इतने बड़े एक जो महानगर जो उस समय बढ़ रहा था बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था मुंबई उसको डेयरी प्रोडक्ट की सप्लाई की जानी थी। तो उस आरे फॉरेस्ट में अब एक जो कहें शहरीकरण का दबाव है जो कह या कहें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत एक कमी का एक मसला हमेशा बम्बई में रहता है, यहाँ पर ज़मीन बहुत कम है तो इसका एक हिस्सा जो जैसा मैंने बताया कि करीब 30 हेक्टेयर के हिस्से में अब कट करके उसमें मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का कारशेड निर्मित हो रहा है। यहाँ पर जो उससे प्रभावित होने वाले लोग हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊँ तो करीब 27 ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर बसावटें हैं पॉकेट्स हैं जिसमें यहाँ पर आदिवासी मूल रूप से रहते हैं और बहुत पहले से रहते थे, तो उनके ऊपर भी एक तरह का संकट है कि ये जब बनेगा जो कारशेड बन रहा है उनको भी डिस्प्लेस किया जाना है इसमें और उनको जिनको डिस्प्लेस किया जाना है उनको भी इसी जंगल के किसी एक हिस्से में फिर से बसाया जाएगा। तो यानी वहाँ पर भी एक बार फिर से नए सिरे से पेड़ों की कटान होगी, लोग बसाए जाएंगे, तो एक वो डर है। जंगल है तो सब है, हम लोग का पेट भरना हो जाता है, सब जंगल में क्या सब्जी बिक्री कुछ होता है तो हम लोग को निकाल के खाते हैं और बिल्डिंग जाके क्या खाएंगे, गैस पे हम लोग को लकड़ा भी सूखा लकड़ी ला के जला के खाते हैं, गैस पे जाके कैसा खाना बनाएगा, गैस लाने को तो पैसा नहीं रहता है इतना, अभी कितना गैस हो गया है ज़्यादा करके तो कैसा पका के खाएंगे, तो भूखा मर जाएगा हम लोग।
अभी ये बोलिए, इस हिसाब से तो ऐसा हो रहा है कि अगर बिल्डिंग में डालेंगे तो भी हम लोग गरीब का जैसा है, एक जन कमाएंगे खाने वाला 10 रहेगा, तो गैस का भाड़ा देंगे, बिल्डिंग का भाड़ा देंगे, किसका किसका हम भाड़ा देंगे, वो सब बाहर जाएगा, फिर हम लोग खाएंगे क्या? इधर तो अभी हम लोग को चूल्हा चौका सब मतलब लकड़ी से सब हो जाता है, जब जो कुछ मिलता है मतलब सब जंगल में हो जाता है, बाहर जाने के बाद हम लोग को कुछ भी आशा नहीं है ना। तो आप लोग यहाँ पर खेती वेती भी करते हैं? हाँ, हम लोग का खेती, चावल का खेती, सब्जी का खेती, बारिश के टाइम में सब लगाते हैं, हम लोग खेती लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, बारिश के टाइम में सब नाला जाता है, उसमें खेतला ला के खाते हैं हम लोग, बारिश का तो सब हम लोग का चलता है, एक आदमी से कैसा चलेगा, नौकरी भी नहीं थी ढंग से मिलता है हम लोग को, गरीब लोग को बार बार से लोग आएगा उन लोग को नौकरी मिलती है, हम लोग को गरीब लोग इधर मुंबई में रहने वाला उसको नौकरी भी नहीं मिलती। और एक चीज़ और, मैं आप लोग यहाँ पर रहते हैं तो आप लोग, मैं एक अभी अमृता से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो आप लोग यहाँ पर पूजा वूजा करने के लिए भी अलग अलग आपके जगह हैं, वो जगह भी इसमें आ रही हैं? भगवान का तो जगह है हमारा आर्य में, सब इधर उधर भगवान जो बैठे हैं उसका तो पूजा हम लोग पहला करते हैं, फिर हम लोग का कुछ चलता है, और हम लोग चौथा क्या पाँचवा पीढ़ी का होगा हम लोग को पता नहीं, लेकिन हमारे बाप दादा से पहले से इधर सब है इधर, तो अभी हम लोग जाएंगे भी किधर, इतना सब इधर ही है, हमारा बचपन तो इधर ही गया सब। अभी जैसे जो डेवलपमेंट प्लान है उसमें दिखाया गया है कि 45 एकड़ जमीन में सारे आदिवासी जो हैमलेट्स हैं उनको पुनर्वास करेंगे, एक साथ करेंगे, एक जगह पे कर देंगे। अभी आप खुद यहाँ पे आए हो, आप देख सकते हो कि एक एक घर कितने दूर दूर है, उनके घर के पास में छोटा सा उनके पेड़ वगैरह बगीचा होता है, वहाँ पे चीजें उगती है, और जंगल के अंदर भी जाके वो लोग बहुत सारे है ना, उनको मालूम है, तो यहाँ पे जंगल में है तो एटलीस्ट खाने पीने की चिंता नहीं है, क्योंकि जंगल में कुछ ना कुछ मिलता है, और ये लोग खेती भी करते हैं चावल की, जहाँ पे लो लाइंग एरिया है, जहाँ पे पानी जमा हो जाता है बारिश में, वहाँ पे जो चावल उगता है वो चावल से उनका पूरा साल चल जाता है। तो मगर यहाँ से अगर निकल देंगे, अभी देखिए राशन में तो चावल और गेहूं के अलावा कुछ तो मिलता है नहीं, चने का दाल कुछ आधा के जी का देते वो भी ज्यादा टाइम पे मिलता नहीं है, तो ये हाल में हम अगर जंगल को बचा के नहीं रखेंगे लोगों का क्या होगा। अभी उन लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों को 2-स्टोरी हम लोग बंगलो देंगे, और वो बंगलो का जो तो स्क्वायर फीट एरिया है 351 है, अभी 351 स्क्वायर फीट का बंगलो। अभी आप ही खुद समझ लीजिए, 1 BHK अगर ठीक से बन जाए 351 स्क्वायर फीट में, तो मान ले उस आर्किटेक्ट को। इस जंगल का ही एक और हिस्सा है जो कि चिड़ियाघर के लिए, जू के लिए रिजर्व किया गया है, तो एक वो दबाव भी है आरे के फॉरेस्ट पर, और आरे फॉरेस्ट एकदम से सटा हुआ है संजय गांधी नेशनल पार्क से, वो बम्बई शहर के बीच में, ये आरे का जो नेशनल संजय गांधी नेशनल पार्क है और बम्बई शहर, उसके बीच में एक बफर जोन का जैसा काम करता है। लोगों का डर ये है कि भाई अगर ये आरे का फॉरेस्ट कटता है तो उसका सीधा असर इसके बाद संजय गांधी नेशनल पार्क के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये 1926 का मैप है बॉम्बे का, आप देखिए कितने जंगल थे, और आपको बिहार लेक और ये पवाई लेक देखने को मिलेगा, और उसके बाद ये जो येलो पोर्शन है ये 1966 की है, जो कॉन्क्रीटाइजेशन होना शुरू हुआ, और भी येलो हो गया 2004 का है, और ये 2018 का है, देखिए ज्यादातर चला गया है, सिर्फ इतना ही बचा हुआ है। अभी जो सबसे जो खतरनाक बात ये है कि हम अगर आरे की जमीन अगर देखें, हाँ, और ये जो एरिया है ये मैप दिखाते हैं आपको, यहाँ पे ये जो ग्रीन एरिया है, येलो एरिया है, रेड एरिया, ये सब ना हायर एलिवेशन पे है। हाँ, मुंबई सिटी के चारों तरफ समुंदर है, और हम सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ऐसे भी समुंदर के नीचे जमीन जाएगी, वो बात हो रही है, मगर हमारे मुंबई के ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है जो समुद्र के लेवल पे ही है, और हाई टाइड जब होता है ना तो समुद्र लेवल के नीचे चली जाती है, तो ये जो मिथी नदी है और सबसे बड़ी नदी है मुंबई की, वो ये बिहार और पवाई लेक से ओरिजिनेट होता है, आरे के अंदर उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेट हो रहा है, ओशिवारा रिवर का भी ओरिजिन जो होता है ट्रिब्यूटरीज वो आरे के अंदर से होती है, ओशिवारा रिवर के किनारे वो लोग लेके आ रहे एक बड़ा सा प्रोजेक्ट मेट्रो भवन 33-स्टोरीड बिल्डिंग, और ऐसे ही मिठी नदी के जो किनारे है कैचमेंट एरिया फ्लैटलैंड एरिया है वहाँ पे लेके आ रहे कार डिपो, और स्टेशन तो बिल्कुल ही नदी किनारे है, तो जो कि आरे के है, आरे जो मेट्रो 3 कार डिपो है, और मेट्रो 3 कार डिपो बनाने के लिए उन लोगों ने आदिवासी लोगों को वहां से निकाला भी है, और झूठी तरीके से उन लोगों को बताया कि वो लोग एनक्रोचर है,
और उन लोगों को जो स्लम रिहैबिलिटेशन की बिल्डिंग है वहाँ पे शिफ्ट किए हैं। काफ़ी जो एक बुजुर्ग जो महिलाएं हैं उनके तबीयत खराब हुई है, उन लोगों ने भी एक पिटीशन दाखिल किया है सुप्रीम ये हाईकोर्ट में। नवंबर में फिर से उसकी सुनवाई है। एक साल लगा है उनके आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए कि हम आदिवासी हैं, झोपड़पट्टी वाले नहीं है, मगर उन लोगों ने अपने पूरे आइडेंटिटी प्रूफ कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह दिया था जब मेट्रो के सर्वे के लिए आए थे। तभी उनको बोला कि आपको नौकरी थोड़ी ना देंगे, नहीं चाहिए आपका आइडेंटिटी, और उसके बाद उनको ऐसे दिखा के निकाल दिया। हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जंगल बचाना है, एक तरफ वो ऐसे स्पीच देते हैं और दूसरी तरफ आप डेवलपमेंट के नाम पे डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कितना लॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है एक सिटी में, ये बहुत जानने की ज़रूरत है। जैसे कोविड हमारे लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर था कि हमारी नेसेसिटीज़ बहुत कम है, तो ऐसे टाइम पर हमें ऐसा कोई प्रोजेक्ट चाहिए क्या जो ऑलरेडी एक सिटी में ओपन स्पेसिस कम है, जंगल कम है, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ हो ऐसे जंगल तो और कम है। मेरे ख्याल में दुनिया में इकलौता एक संजय गांधी नेशनल पार्क और आरई बचा है जो सिटी के अंदर इतना बड़ा एक वाइल्ड लाइफ एरिया वाला फॉरेस्ट बचा है। तो या तो सरकार जनता को इतना मूर्ख समझती है कि वो कह दे कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम ब्लाइंडली बिलीव कर ले उस पर कि हमें दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है कि जंगल काट के, अब उनके पास ऑप्शंस है जो यहाँ पे हमेशा से रह रहे आदिवासी जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे रह रहे, उनसे कंसल्टेशंस नहीं हो रही है, उनसे सलाह मशवरा नहीं किया जा रहा है उनके लैंड पे आ रहे हो। तो अभी फिलहाल हम दोनों भी ग्रेजुएट हुए, यही साल ग्रेजुएट हुए, आगे क्या प्लान है? अभी एमए करने का प्लान है हमारे दोनों का। तो ये डर नहीं लगा कि अगर FIR है हमारे खिलाफ या हमारे खिलाफ किसी तरह का वारंट है, कानूनी नोटिस है, तो परेशानी हो सकती है पढ़ाई में, या फिर घर में लोगों ने डांटा भी है, इस सब में तुमको पढ़ने की क्या जरूरत है? नहीं, हमें तो बिल्कुल डर नहीं लगा, ऐसा कुछ था नहीं, पर यह है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रियल से हमारे लिए नर्वस थे कि ये क्यों कर लिया, क्या कर लिया, लाइक फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, डरा धमका के केस लगाया, झूठा झूठा साइन ले लिया है हमसे बिना बताए, तो अब क्यों डरे हम, जब पता है हमने कुछ गलत करा ही नहीं है। आप दोनों लोग सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अब तो देखने की कंस्ट्रक्शन बन रहा है वहाँ पर और काम चल रहा है, हमारे हिसाब से तो वो काम बंद होना चाहिए और हमारा आरे अच्छे से जैसा पहले वैसा ही रहना चाहिए। आप क्या कहेंगी? हमारा भी वही कहना है, पहला से जंगल है वैसा ही चाहिए, गार्डन वेडर कुछ नहीं, मेट्रो सेट नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हम लोग चाहिए वैसा ही चाहिए जंगल। तो आपने पर्यावरण कार्यकर्ताओं का नज़रिया जाना, वन्य जीव और इस मामले से जुड़े तमाम विशेषज्ञों का नज़रिया भी जाना, बहुत सारे युवाओं का नज़रिया जाना, आपने जाना कि भाई कैसे किस नियत किस मंशा से लोग जुड़े हैं, उनकी इच्छा है कि जंगल बचे रहने चाहिए, पेड़ पौधे बचे रहने चाहिए, वन्य जीव जो हैं जंगली जीव यहाँ पर निर्भर है वो बचे रहने चाहिए। इसके अलावा आपने इन जंगलों पर निर्भर यहाँ पर पीढ़ियों से रहते आ रहे आदिवासियों का नज़रिया भी जाना। दूसरी तरफ सरकार है, उसका एक नज़रिया है कि भाई मुंबई शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत है, बहुत सारी सुविधाओं के ना होने की वजह से बम्बई में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको दूर किया जाना है। इन दोनों के बीच में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लंबित है, उसका फैसला क्या आएगा इसका सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। खबरों की तह में जाकर की जाने वाली ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर देख सकते हैं, क्योंकि हम विज्ञापन से नहीं आपके सहयोग से चलते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पे आज़ाद हैं खबरें।